क्या आप ऑस्ट्रेलियन सरकार के टूटे हुए इमिग्रेशन सिस्टम के लिए प्रस्तावित सुधार के बारे में जानते हैं? होम अफेयर्स के मंत्री ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम पर एक बड़े पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। होम अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को परमानेंटली टेम्पररी माइग्रेशन से हटना चाहिए और पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में और विदेशों में स्किल्ड लोगों द्वारा दिए गए अवसर को जब्त करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लेयर ओनील, स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए लेबर की कमी को दूर करना और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए देश में लंबे समय तक रहना आसान बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम में सुधार की वकालत की है। वो स्वीकार करती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम को ठीक करने में समय लगेगा, क्योंकि पिछली सरकार द्वारा व्यवस्था को डिसऑर्गेनाइज्ड छोड़ दिया गया था। सुश्री ओनील के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन सिस्टम बहुत जटिल और बोझिल है, जिसके कारण बिजनेसेस, माइग्रेंट्स और पूरी आबादी के लिए अवसर चूक गए हैं। उनका मानना है कि टेम्पररी वर्कर्स पर ऑस्ट्रेलिया की निर्भरता एक चिंता का विषय है। टेम्पररी वर्कर्स पर ऑस्ट्रेलिया की हाईली डिपेंडेंट बिजनेसेस के लिए हानिकारक है और एक अपॉर्चुनिटी गंवाना है। टेम्पररी माइग्रेशन के ट्रेंड के परिणामस्वरूप इम्पोर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट आई है और यह एक प्रॉपर पॉलिसी डिबेट का रिजल्ट नहीं था। टेम्पररी माइग्रेंट्स की गिनती में वृद्धि के बावजूद स्किल्ड परमानेंट माइग्रेशन का इनटेक रिलेटिवली स्टेबल रहा है। सुश्री ओनील का तर्क है कि हाई स्किल्ड परमानेंट माइग्रेंट्स की तुलना में लो स्किल्ड टेम्पररी माइग्रेंट्स के लिए अब ऑस्ट्रेलिया में एंटर करना आसान हो गया है। सरकार को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है, जो पोटेंशियल के अनयूज्ड सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई के बाद छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और जो लोग रह जाते हैं वे अक्सर वर्कफोर्स में इंटीग्रेशन की कमी के कारण बेरोजगार होते हैं। सुश्री ओनील ने एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट विज्ञानी का हवाला दिया, जिसका वीजा 4 दिनों में प्रोसेस किया गया था, आज के पोटेंशियल माइग्रेंट्स के विपरीत जो 1 साल तक इंतजार कर सकते थे और हजारों डॉलर एडवांस पेमेंट कर सकते थे। फिलहाल का वीजा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफिकेशंस वाले वर्कर्स के लिए एक अनअट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है, जिन्हें जल्दी से रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जा है। सुश्री ओनील का तर्क है कि परमानेंटली टेम्पररी की स्थितियां माइग्रेंट्स के लिए बाधाएं पैदा करती हैं, जो उन्हें अपनी जड़ें जमाने और अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करने या बिजनेस शुरू करने से रोकती हैं। कोविड-19 महामारी ने हेल्थ केयर और एजेड केयर के साथ साथ विभिन्न सेक्टर्स में लेबर की कमी को बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने एजेड केयर सेक्टर में संकट को स्वीकार किया है। लेबर ने काम शुरू करने के 12 महीनों के अंदर 24/7 हरेक एजेड केयर घर में एक क्वालिफाइड नर्स रखने का वादा किया था। परमानेंट माइग्रेशन के आदर्श साइज और कॉम्पोजिशन का डिटर्मिनेशन करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया को स्किल्ड फॉरेनर्स के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने वाले पॉलिसी में बदलाव की पहचान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम का रिव्यू चल रहा है। बिजनेस की दुनिया के लीडर्स ने टैलेंट को बनाए रखने में बाधा के रूप में वीजा रिक्वायरमेंट्स का हवाला देते हुए एक बड़े परमानेंट प्रोग्राम की मांग की है, जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस साल के अंत में जारी करने वाली है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।